स्वागत है आप सबका ज्ञानपुर प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं यूपीपीसीएस 2019 के लिए। इसका कैलेंडर आप लोगों को बताया दिसंबर में आ चुका है और 15 दिसंबर के आसपास शायद इसकी एग्जाम होगी, तो उसके लिए हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर से पहले आप लोगों का एक टॉपिक पहले से चल रहा है जो अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी के लिए। तो हमारा वादा है कि बायोलॉजी और करंट अफेयर्स ये दोनों हम दिसंबर तक कंप्लीट करवा देंगे। तो जानकारी आपके लिए ये है कि यूपीपीसीएस के लिए लगभग एक साल का करंट पूछा जाएगा। तो आपको पीछे का पिछली जुलाई से लेके या उससे पहले का लेके जो मतलब 15 महीने का जो करंट अफेयर्स है, 12 महीने का 15 महीने का करंट अफेयर्स आपको पूरा पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। हिंदी में इसको बोले तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि NRC है क्या। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि NRC एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी एक बॉडी है। ये नागरिकों से संबंधित जितने भी डाटा हैं उनको रखती है, जैसे कि अगर कोई इंसान है तो वो कौन से राज्य का है, कौन से राज्य में रहता है, उसमें कौन से जिले का है, तो उससे संबंधित वो जितने भी डाटा हैं उनको वो अपने पास रखती है। तो इसमें हमारा पॉइंट है NRC इन असम, यानी कि NRC को असम में अपडेट किया जा रहा है। तो पॉइंट ये है कि असम में NRC की क्या जरूरत पड़ी। तो हम थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी देख लेते हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तब पाकिस्तान बना और भारत बना, तो पाकिस्तान दो हिस्सों में था, इधर पश्चिमी पाकिस्तान था और इधर पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो आज का बांग्लादेश है, उसको यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान से कंट्रोल किया जाता था और यहाँ की जो आर्मी थी वो इन लोगों पर काफ़ी अत्याचार करती थी, यानी कि काफ़ी अनस्टेबल था ये स्टेट। तो यहाँ के जो लोग रहते थे वो क्या कर गए, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट थे जैसे बंगाल हो गया, आसाम हो गया, तो यहाँ माइग्रेट कर गए। मतलब कि बहुत सारी संख्या में वहाँ से लोग माइग्रेट कर गए, करोड़ों की संख्या में लोग माइग्रेट करके इन स्टेट्स में आ गए। और उसके बाद आपको पता है 1971 का युद्ध हुआ, तो बांग्लादेश को एक अलग से स्टेट बना दिया गया। लेकिन इन सब के बाद जब जनसंख्या असम में बहुत ज़्यादा हो गई इन माइग्रेंट्स की, तो असम में एक आंदोलन हो गया। असम के जो लोग थे उन्होंने एक आंदोलन कर दिया, ये जो बाहर से जितने भी लोग आए हुए हैं बांग्लादेश से इन सबको वापस डिपोर्ट करो। तो ये आंदोलन की आप डेट याद रखना, ये देख लीजिए 1979 से 1985 तक, ठीक है, 6 साल तक लगभग ये वोट चला। वहाँ असम की गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया गया, तो प्रेशराइज करने के बाद असम की गवर्नमेंट ने और वहाँ के जो इस मूवमेंट के जो लीडर्स थे उन्होंने असम गवर्नमेंट के साथ एक असम समझौता साइन किया कि भाई ये जितने भी लोग आए हुए हैं इनको वापस करो, ठीक है। तो ये समझौता हो गया, लेकिन इसमें कुछ खास प्रगति नहीं हुई बाद में कि जो जितने भी लोग आए हुए हैं, जो गलती से आए हैं या जो भी है, उनको वापस किया नहीं गया। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुँचा। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया असम गवर्नमेंट को कि भैया आप लोग NRC अपडेट करो, जितने भी लोग बाहर आए हुए हैं या यहाँ के हैं जो लोकल सिटीजन्स हैं उनका सबका आप अपडेटेशन करो, ठीक है। तो इनको ऑर्डर दिया गया, तो मतलब ये 2013 से स्टार्ट हुआ था, मतलब मामला पहले पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो असम गवर्नमेंट ने 2013 में स्टार्ट की। तो इसके लिए बाद में जो लास्ट डेट थी पहले वो ये रखी गई थी, ये आप ध्यान में रखना, 31 जुलाई, लेकिन बाद में इसको जो असम की गवर्नमेंट है उसने कहा कि एक ये हमारे लिए सफिशियंट नहीं है तो हमें एक महीना और दीजिए, तो इसको 31 अगस्त 2019 कर दिया गया, ठीक है। अभी आपको पता है लिस्ट रिलीज हो गई है और लगभग 40 लाख लोगों को, यानी कि 4 मिलियन लोगों को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया पूरा। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आप ध्यान में रख लीजिए, अगर एग्जामिनर ये थोड़ा डीप अगर अंदर जाए तो, कि जो असम में NRC अपडेट किया गया है वो कौन से अधिनियम या किस नियम के तहत किया गया, तो ये आप देख लीजिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003, ठीक है। तो हमारा NRC कंप्लीट हो गया है। हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है कारगिल विजय की 20वीं वर्षगांठ। थोड़ा सा बैकग्राउंड आप देख लीजिए, ये जो कश्मीर है पूरा, जम्मू कश्मीर अभी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और ये वाला जो हिस्सा आप देखते हैं ऊपर वाले भाग के हिस्से में, तो इसको बोलते हैं लद्दाख। और यहाँ ये वाला जो हिस्सा होता है उसको पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है,
तो उसको बोलते हैं पीओके, और ये कुछ हिस्सा यहाँ पर है जो चाइना के कब्जे में, उसको अक्साई चीन बोलते हैं। लेकिन ये लद्दाख वाला जो हिस्सा है जो भारत के हिस्से में आता है, यहाँ पर एक हिस्सा है कारगिल, मतलब लद्दाख को मेनली दो हिस्सों में बांटा गया, इसको कारगिल बोलते हैं, यहाँ एक हिस्सा है उसको कारगिल बोलते हैं और इस वाले हिस्से को लेह बोलते हैं। तो अब यहाँ देखिए 26 जुलाई 1999 को क्या हुआ कि यहाँ पीओके से आतंकवादी और जो पाकिस्तान की जो सेना थी उसके पर्सनल उन्होंने यहाँ पर इस चोटियों पर कब्जा कर लिया। तो इन सबको वापस भगाने के लिए इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन को बोलते हैं ऑपरेशन विजय। ये ऑपरेशन विजय चलाया गया था मतलब 26 जुलाई 1999 को, यहाँ जो कब्जा हुआ था वो मतलब 26 जुलाई 1999 से पहले ही कर लिया था उन लोगों ने, लेकिन ऑपरेशन लॉन्च किया गया 26 जुलाई 1999 को। और आपको पता है इंडियन आर्मी ने बहुत ब्रेवरी से वो युद्ध जीत लिया, जो यहाँ पर ये लोगों ने कब्जा किया था उन सबको दबा दिया गया। तो इस संबंध में अब जो नया जो अपडेट हुआ है वो ये है कि 27 जुलाई से मतलब 25 से 27 जुलाई 2019 तक इसका सेलिब्रेशन किया गया है, मतलब इसका वर्षगांठ मनाई गई है, या मतलब दो जगह पर मनाई गई है, एक द्रास है जो जम्मू और कश्मीर में है और दूसरा है न्यू दिल्ली। द्रास याद रखना, जम्मू कश्मीर द्रास में वॉर मेमोरियल है वहाँ आर्मी का, कारगिल वॉर मेमोरियल उसमें मनाया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है एचआरडी मिनिस्ट्री है, हाँ जो हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं डॉक्टर पोखरियाल निशंक, उन्होंने दो योजनाएं लॉन्च की है, पहली का नाम है दीक्षारम्भ और दूसरी है परामर्श। तो दीक्षारम्भ से आप समझ लीजिए जैसे दीक्षा का आरंभ, माने कि जो स्टूडेंट्स कॉलेज में पहली बार जाएंगे उनको गाइड करने के लिए कि कौन सी कॉलेज है, उस कॉलेज में क्या फैकल्टी है, क्या सुविधाएं हैं, सुविधाएं आपको मिलेंगी कि नहीं, क्या उसकी रैंकिंग है, कैसे टीचर्स हैं, टीचर्स अच्छे हैं कि नहीं, उस तो उससे संबंधित जितना भी वो जो चीज़ें हैं वो इस योजना में उनको उपलब्ध कराई जाएंगी। और दूसरी जो योजना लॉन्च की गई है वो है परामर्श, ये लॉन्च की गई है UGC के द्वारा, मतलब जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनको परामर्श किया जाएगा और गाइड किया जाएगा, उसमें उनको कुछ फंड भी दिया जा सकता है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप UGC इन हायर एजुकेशन और उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए ताकि जो हमारे हायर इंस्टीट्यूट हैं उनमें गुणवत्ता में कुछ सुधार हो सके। और हमारा जो अब फोर्थ पॉइंट है वो है महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2019। महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन वो 2019 जो है वो कोच्चि केरला में अभी अभी संपन्न हुआ है। तो इसकी जो थीम रही वो ये थी एक समावेशी उद्यमिता पारिस्थितिक तंत्र का विकास, पारिस्थितिक मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जहाँ महिलाओं को भी एंटरप्रेन्योरशिप या स्किल डेवलपमेंट जॉब्स में उनको उनका बराबर की भागीदारी मिल सके और एक इंक्लूजन वाली जो इकोसिस्टम है उसका डेवलप हो सके। ठीक है, तो ये जो इसका आयोजन किया गया आप ये देख लीजिए यहाँ पे कोची केरला में किया गया, इसमें मैंने तीन ऑर्गेनाइजेशन शामिल थे, एक केरला की केरला स्टार्टअप मिशन, ये आप देख लीजिए KSU1, और भारतीय महिला नेटवर्क और भारतीय उद्योग संघ, फिर से देख लीजिए तीन ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल है, केरला स्टार्टअप मिशन, भारतीय महिला नेटवर्क और भारतीय उद्योग संघ। और हमारा चौथा जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, जैसे NRC सबसे इम्पोर्टेंट था उसके बाद ये पॉइंट जो चौथा पॉइंट है ये सॉरी ये हमारा पांचवा पॉइंट है इसको ध्यान रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये है क्या है करतारपुर कॉरिडोर, इसका बैकग्राउंड ये है कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तब जो पंजाब प्रांत है उसमें डिवीजन चल रहा था, तो आपको पता होगा कि पता होना चाहिए कि इस जो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उसको रेड क्लिप लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिवीजन रेड क्लिप लाइन वाला जो डिवीजन किया जा रहा था उसमें मतलब गवर्नमेंट बहुत जो अंग्रेजों के टाइम से ही चल रहा था तो बहुत जल्दबाजी में थी कि मतलब जो एक गांव यहाँ पे है तो उस गांव के बीच में से लाइन को खींच दिया तो गांव के आधे लोग इधर रह गए इधर, मतलब उसको सही से नहीं किया गया। तो भारत और पाकिस्तान जब दोनों बने तो चूँकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री बना और भारत है वो एक सेकुलर कंट्री बना कि हम यहाँ सभी का सम्मान किया जाएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पर सब रहेंगे। तो जो पंजाब वाला जो प्रांत था उसमें अधिकतर जो जनसंख्या थी वो सिखों की थी, तो उसी हिसाब से देखे तो सिखों ने प्रीफर किया कि हम लोग इंडिया के साथ जाएंगे, तो इसी हिसाब से होना ये चाहिए था। आपको ये बता देता हूँ सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक साहब जी। ठीक है, तो
वो अपने 20 साल तक एक जगह जो यानी रहे थे ना, वो पाकिस्तान पंजाब में, पाकिस्तान का पंजाब वाला जो एरिया वहाँ पड़ती है करतारपुर, ये रावी नदी के किनारे है, ये पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको बोलते हैं नरोवल जिला, रावी नदी के किनारे है, इसको बोलते हैं करतारपुर। यानी कि करतारपुर में गुरु नानक देव जी थे, वो लगभग 20 वर्ष रहे थे। और ये लाइन है रेड क्लिप लाइन, और आप ऐसा मान लीजिए कि ये करतारपुर है, यहाँ तकरीबन 20 वर्ष तक रहे थे गुरु नानक देव जी। और यहाँ पर भारत में जो हिस्सा है उसको, उसमें भी गुरु नानक देव जी कुछ समय रहे थे, उसको बोलते हैं डेरा बाबा नानक। क्या बोलते हैं? डेरा बाबा नानक। तो ये जो लाइन बनी थी ना, ये जो कॉरिडोर बना जो भारत के हिस्से में डेरा नानक से लेकर रेड क्लिप लाइन तक, इसका उद्घाटन आप याद रखना सगोंड है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उन्होंने किया था। तो और इसका जो उद्घाटन था वो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्होंने किया। आपको कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी उसमें, आपको याद होना चाहिए कि वहाँ पर सिद्धू चले गए थे, उन्होंने उनके आर्मी प्रमुख को गले लगा लिया था। तो ये जो गुरु नानक जो गुरुदासपुर में है, तानो जी आपको याद होगा कि सनी देओल यहाँ से MP है, तो गुरुदासपुर से जो करतारपुर वाला है, ताकि जो सिख श्रद्धालु हैं वो यहाँ तक जा सकें, तो इस पूरे को करतारपुर कॉरिडोर बोलते हैं। ठीक है, ये आप सब देख लेना, करतारपुर कॉरिडोर है। इंडिया में ये वाला हिस्सा पड़ता है, पाकिस्तान में ये वाला। और एक ये पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट ये आप ये ध्यान रखना कि 2019 में गुरु नानक देव जी की हम 550वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमने 5 पॉइंट पूरे डिस्कस किए। सबसे पहले हमारा NRC था, और उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट रहा कारगिल विजय की 20वीं वर्षगांठ। तीसरा पॉइंट इसमें मैंने आपको बताया कि दीक्षारंभ और परामर्श जो HRD मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया था। और फोर्थ जो हमारा टॉपिक था वो था महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन, जो कि कोच्चि केरला में हुआ। ठीक है, इसमें आती है तीनों पॉइंट ध्यान रखना कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, और जो थीम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, एक समावेशी उद्यमिता पारिस्थितिक तंत्र का विकास। और पांचवा जो पॉइंट था वो सबसे इंपॉर्टेंट है NRC की बात, करतारपुर कॉरिडोर, ये दोनों जगह आप याद रखना, जो गुरुदासपुर में है डेरा बाबा नानक वाली, और करतारपुर जो है वो रावी नदी के किनारे है, नरोवल जिला पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, यही ध्यान रखना पंजाब प्रांत। और ये भी आप अच्छे से याद रखना, गुरु नानक देव जी की 550वीं 550वीं वर्षगांठ है 2019 में। धन्यवाद।